हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे इंग्लिश, राइट। तो यूनिट नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, आनंद इज रेनबो। आगे हमने चैप्टर नंबर 9 जो क्लाउड्स था उसकी हमने एक्सरसाइज देखी थी। ये है स्टोरी आनंद इज रेनबो। आज उसकी हम एक्सरसाइज देखेंगे और ये जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी नोटबुक में फिल करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। फर्स्ट है इट वॉज ब्लैंक्स आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या था? रेनिंग, सनी, क्लाउडी एंड वाइंडी। तो क्या था? रेन, राइट। तो हमारा आंसर आएगा ए, रेनी। तो हम यहाँ ब्लैंक्स में लिखेंगे rain, right? Next है आनंदी's was blanks। आनंदी क्या थी? Awake, asleep, reading and drawing। क्या कर रही थी वो? Asleep, वो सो रही थी। तो आएगा C number, asleep, a sleep। फिर third है आनंदी's was dreaming of blanks। कलर्स, रेन, फ्लावर्स एंड रेनबो। तो उसकी ड्रीमिंग क्या थी? रेनबो। तो हमारा आंसर आएगा डी, रेनबो, राइट्स। फिर है व्हाट डिड आनंदी सी इन द स्काई। स्काई में क्या था? स्टार्स, रेनबो, मून या क्लाउड्स। क्या था? रेनबो। तो आंसर आएगा बी, रेनबो। फाइव नंबर है आनंदी वॉज ब्लैंक्स टू सी द रेनबो। ए है सरप्राइज्ड, एंग्री, सैड एंड हैप्पी। तो आनंदी वॉज क्या थी? हैप्पी थी। तो हमारा आंसर आएगा डी, हैप्पी, राइट। अब है सिक्स नंबर व्हाट वॉज मिनी। मिली क्या थी? अ कैट, अ पैरोट, अ डॉग, अ काउ। क्या थी? अ कैट। तो हमारा आंसर आएगा ए, अ कैट। व्हाट डिड आनंदी लव टू डू? रीड एंड राइट, जंप एंड प्ले, ड्रॉ एंड पेंट, सिंग एंड डांस। तो क्या आएगा? ड्रॉ एंड पेंट, राइट। तो हमारा आंसर आएगा सी, ड्रॉ एंड पेंट। फिर है हाउ मेनी कलर्स डू डज द रेनबो हैव? 6, 7, 8 एंड 9। रेनबो में कितने कलर होते हैं? यस, 7। तो हमारा आंसर आएगा सी। फिर है आनंदी पेंट द ब्लैंक्स ऑफ द गार्डन विद द कलर्स ऑफ द रेनबो। क्या वो पेंट कर रही थी? फ्लावर्स, ग्रास, पॉट्स एंड ट्रीज। क्या वो पेंट कर रही थी? फ्लावर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे ए, फ्लावर्स, ओके। हमारा आंसर आएगा फ्लावर्स। फिर है 10 नंबर व्हेन डू यू सी अ रेनबो इन द स्काई? इन समर, इन द रेनी सीजन, इन विंटर एंड एट नाइट। तो जब ये रेनबो जो है वो कब दिखता है? ओके, इन द रेनी सीजन। हमारा आंसर आएगा बी। अब नेक्स्ट है राइट वन वर्ड दैट बिगिन विद द सेम साउंड। जो सेम साउंड होता है, चार अंडरलाइन की हुई है, उस हिसाब से हमें वर्ड्स बनाना है। जैसे कि यहाँ पे है डी ए एन सी ई, डांस। तो डी के नीचे अंडरलाइन है, तो डी का हमें यूज़ करके और वर्ड बनाने। तो जैसे कि डी को लेके हम डॉग बना सकते हैं, राइट। और भी कोई बना सकते हैं आप डी का यूज़ करके, राइट। फिर है जग, जे यू जी, जग। तो मैं बनाऊँगी जे यू एम पी, जम्प, राइट। अब थर्ड है पैरोट, तो अभी का यूज़ करके बनाएंगे पैन,
PEN पेन, राइट। फिर है KID किड, तो के नीचे अंडरलाइन है, तो हम K का यूज बनाएंगे KITE काइट बनाएंगे, राइट। फिर है हैंड, तो H का यूज करके हम बनाएंगे हाउस, HOUSE हाउस। फिर है माउस, तो माउस M का यूज करके बनाएंगे हम मंकी, MONKEY मंकी। फिर है लायन, तो L का यूज करके हमें बनाना है LUCK लक, राइट। फिर है रन, RUN रन, तो रन का हम बनाएंगे रेन। फिर है केक, सी का यूज करके हमें बनाना है, तो बनाएंगे हम COT कॉट, राइट। तो ये हुई हमारी चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज, यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में फिल करनी है।